జార్ఖండ్ లో కేంద్ర హోం మంత్రి అమిత్ షా మాట్లాడుతున్నారు, ఇప్పుడు అలా చూద్దాం. मालूम आप को हम जल की सलाखों के पीछे डालने का काम करेंगे. भाइयों बहनों, भाइयों बहनों, मुझे बताओ, नौकरी के लिए बच्चों की परीक्षा लेने तक तो ठीक है, आज झारखंड में नौकरी के लिए बच्चों की स्थिति ये हो गई कि दौड़ लगाते लगाते 17 युवा मर गए और इनके माथे पर जू रेंगती नहीं है. ये 17 परिवारों के नौनिहाल अपनी जान दे दिए. मैं आज आपको कहकर जाता हूं, इसके जिम्मेदार जो भी अधिकारी है वो सभी पर कदम उठाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी. भाइयों बहनों, पेपर लीक हुए, 11 से ज्यादा पेपर परीक्षा के लीक हुए, मगर हेमंत बाबू खामोश, क्योंकि पेपर लीक कराने वाले उन्हीं के चट्टे पट्टे हैं. हेमंत बाबू, भाजपा सरकार आएगी वो नरेंद्र मोदी के सिद्धांतों पर चलेगी. आपने भले संरक्षण दिया, मैं कहकर जाता हूं हम SIT बनाकर ये पेपर लीक करने वालों को जेल की सराखों के पीछे बांधने का काम करेंगे. भाइयों करेंगे. मुझे झारखंड वालों बताओ, ये कश्मीर हमारा है या नहीं है? ऐसे नहीं भाई, जोर से बताओ है या नहीं, और जोर से बताओ है या नहीं. तो मोदी जी 2019 में कश्मीर में से धारा 300 हटाने का बिल लेकर आए. ये हेमंत सोरेन के सारे सांसद हमारे खिलाफ खड़े हो गए. कोई बात नहीं, ये पूरा घमड़िया गठबंधन हमारे खिलाफ था. लालू जी की पार्टी, राहुल गांधी की पार्टी, JM, ये सारे खिलाफ थे, मगर मोदी जी ने पलक झपकते ही धारा 370 को समाप्त कर दिया और कश्मीर को हमेशा के लिए भारत का अभिन्न अंग बना दिया. भाइयों बहनों, मुझे बताओ, अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? जोर से बोलो, बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए?